केवी होटल से अब बापू बाजार बापू के बाजार लिए में हम लोग निकलते आ हैं गए और हैं और आपको यहाँ का जयपुर का आइटम हर प्रकार की वो लिखा है सामान आपको सब मिलेगा। पहले हम गाड़ी को पार्क करते हैं, पार्किंग भी बनाया गया है। ये देखा बहुत बड़ा मार्केट है ये। सबसे पहले हम लोग बापू मार्केट आए हैं, संजय बाजार आगे है, बांधनी साड़ीज भी है। ये होलसेल मार्केट है, सबसे अच्छी बात है आपको भाई यहाँ पार्किंग की साइड होगी। हेलो, पार्किंग की साइड होगी यहाँ सामने, फोर व्हीलर ये सामने ही है। देखो शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ ये पार्किंग है, ये पार्किंग है, बस सही है। हाँ, होलसेल मार्केट ये मंदिर पड़ता है, हम लोग मंदिर के आगे जितना बापू बाजार का मार्केट है होलसेल मिलता है। और हर मार्केट के बाहर हर शॉप का नाम लिखा होता है, चाहे बंगल्स हो, चाहे लहंगा चुन्नी हो, चाहे साड़ी हो, चाहे जयपुरी आइटम हो, सब कुछ आपका होलसेल और बहुत ही चीप मार्केट है। दोनों साइड में हमारा मार्केट पड़ता है। हम लोग आगे की तरफ पार्क करने के लिए गाड़ी आगे निकल रहे हैं। गाड़ी पार्क करके फिर आगे का हम जितना सामान कुछ भी खरीदेंगे हम पूरी वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे। जयपुर का हर आइटम बहुत ही बेहतरीन मिलता है। हम अभी आगे देखिए अपने मार्केट से सीधे हम पार्क की तरफ जा रहे हैं, जहाँ गाड़ी हम पार्क करते हैं और आगे की तरफ हमारी गाड़ी लग जाएगी। पार्किंग में हम करके फिर आगे की तरफ हम मार्केट में उतरेंगे, तो आपको सारा एक एक व्यू हम दिखाते हुए सामान को लेते हुए निकलेंगे। आगे देखिए बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी दूर तक लाइन लगी होती है गाड़ी पार्क करने के लिए। हम लोग चले भी जा रहे हैं। मार्केट में जितना भी पार्क करते हैं गाड़ी तो अपना किनारे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट में उतरेंगे। देखिए ई रिक्शा भी चलती रहती है, आपको अगर मार्केट में बहुत दूर नज़र आ रहा है तो आप ई रिक्शा पर भी चले जाइए। हम लोग अभी फ़िलहाल गाड़ी में ही हैं, अभी पार्क करेंगे। बापू नगर का जो मार्केट है बहुत ही बड़ा बृहद है, काफ़ी दूर तक आप दूरों दूर तक देखेंगे तो आपको नज़र आता रहेगा। और हम लोग सीधे जा रहे हैं मार्केट को देखते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ जयपुर का आइटम तो बहुत ही खास मिलने वाला है, जो हम हर मार्केट पे उतर कर आपको हर जगह का वीडियो शेयर करेंगे। और बापू बाज़ार एक नंबर का है, जो कि हम आपको पूरा वीडियो यहाँ पर शेयर करेंगे। अब हम लोग पार्क की तरफ आ गए हैं। देखिए हमारी गाड़ी गेट के अंदर घुसते ही साइड में हम लोग पार्किंग करेंगे। यहाँ से पब्लिक आती जाती भी है और हम लोग गाड़ी भी किनारे अपना लगा लेते हैं। देखिए बाएं साइड हम गाड़ी अपनी रखेंगे, फिर हम आगे के वीडियो शेयर करते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से मेरी गाड़ी पार्किंग के पास पहुँच चुकी हुई है। ये बाएं साइड में हम अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। आने के बाद हम लोग मार्केट चलते हैं, तो आगे दिखाते हैं आपको। हाँ देखिए अब हम लोग अपना साड़ी है हो, चाहे लहंगा चुन्नी हो, चाहे जयपुरी रजाई हो, चाहे सूट हो, कुछ भी लेना है। हमने पहले मार्केट में घुसकर अपना लहंगा चुन्नी एक लिया था, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं।
लहंगा चुन्नी लेने के बाद हम जयपुरी रजाई लेते हैं, क्योंकि जयपुर का आइटम तो खास होता है तो हमें कुछ ना कुछ ले ही जाना है। हमने एक चुन्नी भी ली थी, अब देखिए हमारे पास सारे वैरायटी दिख रहे हैं, क्योंकि साड़ी तो आदमी लेता ही लेता है पर यहाँ का खास लहंगा चुन्नी होता है जो जयपुरी का फेमस आइटम है। तो हम लोग जयपुरी आइटम यहाँ से पहले ही शॉप में घुस गए और यहाँ से लहंगा चुन्नी लिया, उसके बाद एक दुपट्टा अलग से लिया, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखिए अभी रजाई भी हम लेने के मूड में हैं। ये देखिए रजाई भी आ गई, ये 100 ग्राम की रजाई है जो कि बहुत ही डबल बेड की है और कॉटन में है, बेहतरीन है, हम लोगों ने इसको भी ले ही लिया है। फाइनली जयपुरी रजाई हमने ले लिया है। इतनी दूर जाइए तो कुछ तो शॉपिंग करनी पड़ती है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, रजाई हमारी पैक हो चुकी है, हमने फाइनल कर दिया है और होल सेल के मार्केट में ही हम इस समय हैं, जो बापू बाज़ार का मार्केट होता है, 9 बजे से 5 बजे तक खुली होती है। देखिए हमारी सारा शॉपिंग करने का समय शुरू हो चुका है। यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा है और अंदर तक आप जाते रहिए आपको एक एक से दुकान, बाहर नाम लिखे होते हैं, आपको जिस मार्केट में घुसना है वहाँ पे जाइए, आराम से सामान उठा लीजिए, होलसेल मार्केट है। चलिए अब आगे की तरफ हम चलते हैं, बिलिंग करा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे बंगल्स की दुकान पे। देखिए दूसरी दुकान है जहाँ हमें खास वहाँ की जो जयपुरी होती है उसमें नग हमारे बिल्कुल अंदर तक पिरोया होता है, ये होलसेल मार्केट ये भी है। हमने यहाँ काफ़ी कड़े लिए हैं, अपने बच्चों के लिए भी लिया है, अपने लिए भी लिया है। लाख की खास चूड़ी होती है जो हमने यहाँ का जड़ाउदार कंगन ले रखे हैं, काफ़ी बहुत अच्छा रहा। और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, देखिए ये चूड़ियों का मार्केट तो काफ़ी बड़ा हुआ है। यहाँ का एक होता है गुजराती, जो हम लोग माथे का टीका होता है, उसको भी मैंने ले रखा है, यहीं पर मिलता है खास जयपुर में ही, तो गुजराती माथे पर टीका लगाने के लिए ले लिया है, कड़े भी ले लिया है। अब आगे चलते हैं, आपको क्या दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी शॉप थी, हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब चलिए आपको दूसरे। ये देखिए लेदर का भी यहाँ पे होलसेल मार्केट है। हमने बैग लेना चाहा लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कलर वाइज, तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे हमने 2 बेल्ट लिए थे, बेल्ट भी प्योर लेदर के हैं, उसको भी हम दिखाते हैं। ये हमने 2 बेल्ट लिए हैं लेदर के। और होलसेल मार्केट देखिए, सब मार्केट बाहर से है, अंदर जाइएगा तो आपको अंदर का मार्केट दिखता है। हमने 2 बेल्ट लिया है, बेल्ट को भी नाप कर ये लोग होल कर लेंगे, बनाकर पसंद कर रहे हैं। अब देखिए आगे का है सारा, आपको वीडियो सब शेयर करते रहेंगे। ये लोग बेल्ट ले लें, उसके बाद हम आगे की तरफ नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे। बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने में। बस ये है कि जयपुर घूमिए तो शॉपिंग करते रहिए, तभी आनंद है। हमारे मार्केट का होलसेल मार्केट आप लोग भी देखिए और जयपुर आइए, यहाँ का सामान अवश्य ले जाइए। जयपुरी मार्केट हमारे सिटी में आता ज़रूर है। देखिए कितना प्यारा बेल्ट लग रहा है, ये प्योर लेदर का है इसलिए ये बेल्ट, और हमने कुछ पर्स भी लिया था तो यहाँ पे हमने ले रखा है होलसेल मार्केट से। ये आइटम बहुत ही अच्छा मिला मुझे, इसीलिए हम इस वीडियो को आप लोगों के पास शेयर कर रहे हैं कि आप लोग जब भी आइए जयपुर घूमने तो बापू नगर के होलसेल मार्केट में ज़रूर आने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप समय देंगे तो आपको सारा सामान होलसेल में आपको। अब हम लोग देखिए सीधे टैटू कैफ़े आ गए हैं, जो बहुत ही सुंदरता के साथ हम लोग यहाँ पर पर्सन पहले हम लोग कुछ खाते पीते हैं, तभी अलाउ है हमको ऊपर जाकर फ़ोटो खींचने का, जो हवा महल का सारा फ़ोटो हम आपको शेयर करेंगे। पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, तभी हम लोगों को यहाँ पे इजाज़त मिलती है कि आप लोग तैयार होइए, रेडी होइए और ऊपर की छत पर जाकर वहाँ का हवा महल का जितना वीडियो बनानी है, फ़ोटो शूट करना है, आप तैयार हो जाइए और शूट करिए। पहले हम लोग खाने पीने का अपना व्यवस्था कर लिए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं। अब हम लोग 5-10 मिनट रेस्ट करके और हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर फ़ोटो का व्यू, हवा महल का सारा आपको
यहीं से नज़ारा मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है हवा महल का, जो कि फोटोग्राफी नीचे से नहीं मिलता है, ऊपर से आप लोग जब करेंगे तो आपको व्यू बहुत देखने में अच्छा लगेगा। अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों को रेस्ट तो मिल गया यहाँ पे शॉपिंग के बाद। अब हम लोग कुछ लोग नीचे उतरेंगे तो हम लोग ऊपर चलते हैं और कंघे वगैरह करके बकायदे। ये देखिए आ गया हवा महल। हवा महल की फ़ोटोग्राफी के लिए हम लोग पैटू कैफ़े में बैठे थे, ऊपर आ गए हैं। ऊपर की तरफ भी लोग नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद फ़ोटोग्राफी अपने हिसाब से लोग करते रहते हैं। देखिए कुछ फैमिली करा ली है, अब इसके बाद हम लोग भी अपना कर लेंगे। तब इसके ऊपर भी बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। देखिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं, काफ़ी देखिए टैटू कैफे लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी जाना हमें उचित नहीं लगा, हमें हवा महल की फ़ोटोग्राफी करनी थी। टैटू कैफे पहुँच कर ही खूबसूरती का नज़ारा हम सारा आपको व्यू देते रहेंगे। देखिए कितनी भीड़ होती है, लोग आते हैं, खाते पीते हैं और यहाँ का फ़ोटो खींचते हैं। ये देखिए हवा महल बहुत ही सुंदर लग रहा है। शाम का टाइम होना है और फोटोग्राफी बहुत धड़ाधड़ किया जा रहा है। नीचे भी पब्लिक लगी हुई है, लेकिन जो ऊपर की खूबसूरती है ये फ़ोटो के लिए खास बनाई गई है, तो इसलिए अब हम लोग का नंबर आने वाला है। देखिए ये हवा महल, सामने से जाइए और पूरा ऊपर से व्यू ले लीजिए। देखिए अब हम लोग आने वाले हैं, जैसे हम लोग आएंगे सारी फ़ोटो हम लोगों की खींचती जाएगी। ये फैमिली हटेगी, दूसरा नंबर हम लोगों का आ जाएगा। बहुत ही अच्छा बनाया गया है व्यू, यहाँ से खूबसूरती लगती है ऊपर से देखने पे तो बहुत ही। जब आप पहुँचेंगे वहाँ तो आप खुद ही कहेंगे कि हमने जो ये वीडियो डाली है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, और आप लोग आने की जल्दी कोशिश करिएगा। बहुत दूर तक मैंने इसका वीडियो लिया है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम तो साथ दे ही रहा है। नज़ारा यहाँ का खूबसूरती का पूरा फैलाया पड़ा हुआ है। हम लोग देखे बैठे हुए थे, अब हम लोगों का नंबर आने वाला है, आ गए हैं। फ्री होते ही हम लोग एक फैमिली और आ गई है, हमसे पहले फ्री हो गए हैं। इसके बाद अब हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। बहुत ही जो हवा महल की खूबी है वो यहाँ से फ़ोटो खींचने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ का टैटू कैफ़े देखिए लिखा हुआ है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर लोग क्यों चले आते हैं इतनी ऊंचाई तक, इसीलिए कि हमको ऊंचाई से जो है हवा महल की सारी खूबी मिल जाएगी और इसके माध्यम से फ़ोटो भी खींच जाती है। हर कोई जाना चाहता है कितने भी ऊपर ऊंचाई पर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ तक पहुँचे और व्यू देते रहें आप लोगों को। देखिए लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए रेडी होंगे, अपने हिसाब से लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। हवा महल की खूबसूरती हम बयां तो नहीं कर सकते, अंदर नहीं गए हैं, पर जो बाहर का है फ़ोटो लेने का उसका व्यू तो हम आपको देते ही रहते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ की खूबी पूरी आती है। जब आप फ़ोटो खींच कर अपने पास रखेंगे तब आप बताएंगे कि बहुत ही सुंदर व्यू है। अब हम लोग अंदर खींचते हुए अब ऊपर की तरफ पहुँच चुके हैं। देखिए ये आ गए, हमारी फ़ोटो खींच गई, वाह हमारे बेटे की खींच गई। अब हम पूरे परिवार के साथ मिस्टर के साथ में फ़ोटो खींच, अब आमेर फोर्ट की और नाहरगढ़ फोर्ट की वीडियो शेयर करेंगे।